दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं लियारी में और यहाँ पे हमने थोड़ा सामान वामान उठाया। अभी मैं मजीद जो एहसन भाई से थोड़ा सा पूछता हूँ कि आगे का क्या प्लान है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त कैसे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो पेश करने वाला हूँ जिसमें मैं 3 दिन माउंटेन्स के अंदर जाऊँगा, 3 दिन माउंटेन्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर 3 दिन हम स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान की नायाब जो इनडेंजर्ड स्पीशीज है आइबेक्स और उड़ियाल वो दिखाऊंगा, उनका हैबिटेट दिखाऊंगा, किस तरह रहते हैं, क्या खुराक में खाते हैं और कितनी मिकदार में हमारे बलोचिस्तान में और पाकिस्तान में ये आइबेक्स पाए जाते हैं और उड़ियाल पाए जाते हैं, उनके एरिया में मैं आपको ले जाऊंगा और उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो। ये एरिया है, यहाँ पे खास तौर पर ओरियाल पाए जाते हैं और हमने उनकी बीट भी पीछे देखी थी तो अभी यहाँ पे शोर शराब। सर, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो आज उसकी डॉक्यूमेंट्री हम आपके साथ पेश करेंगे। उड़ियाल एक वाइल्ड शीप है जो कि बलूचिस्तान की रेंज में पाया जाता है और बहुत खूबसूरत होता है, उसके कर्ल्ड सींग होते हैं। हम उसकी सर्च में आए हैं, यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। यहाँ पर हमने ट्रैक डाउन के रात हमने स्टे की थी और अब हम यहाँ ढूँढ रहे हैं उड़ियाल को। दुआ करें हम कामयाब हों और उड़ियाल देख सकें और आपको दिखा सकें कि ये पाकिस्तान की खूबसूरत ब्रीड में से एक है। तो ये हम बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में हैं और आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अच्छी खासी हाइट है, पीछे आप देखें, और हम आधा घंटा कंटिन्यूस पहाड़ चढ़ते हैं, इसलिए थोड़ी सी सांस भी हमारी फूटी हुई है। इंशाल्लाह अभी हमने और ऊपर जाना है, यहाँ पर जाएंगे इन पहाड़ों में, फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि हमें कोई उड़ियाल नज़र आए। तो व्यूअर्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इस पॉइंट पर कि जहां से हम आपको लाइव ओरियाल दिखा सकें, वाइल्ड ओरियाल जो कि हमारे पाकिस्तान की एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में से आता है। हम उसके बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं और अभी उसामा भाई से भी पूछते हैं कि कौन सी। अभी 2 घंटे से हम लोग चल रहे थे, अभी यहां पे रुके हैं और यहां से फ़ायदा ये है कि यहां से सारे पहाड़ नज़र आते हैं, तो अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपको जो सारे पहाड़ नज़र आएंगे, तो आपको यहाँ से ओड़ियाल जाते हुए दिख जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर, हम लोग को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जितना हम इसको सेव करेंगे इस वाइल्ड लाइफ को तो आने वाले दिनों में इसकी ब्रीडिंग बढ़ेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आज की वीडियो का मकसद यही है कि हम आपको ओड़ियाल दिखाएँ और इनकी नेचुरल जगह में दिखाएँ। जिस तरह आप देख सकते हैं ये सामने के हैं, इन ये जो क्रॉसिंग आपको जो नज़र आ रही है ये यहाँ से क्रॉस करते हैं, वहाँ पहाड़ों के बीच से आते हैं, ये इन क्रॉसिंगों से क्रॉस करते हुए बिल्कुल ये ट्रैक करते हुए सीधा ऊपर इन पहाड़ों तक जाते हैं और फिर अंदर पहाड़ों में ये जाकर का बाकी है खाना, उसका वेट कर रहे हैं। सामा भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना टाइम और लग सकता है? कुछ पता नहीं है, रात तक भी रुक सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मज़ीद ऊपर जा रहे हैं और उड़ियाल जो हमें नीचे नहीं मिले उसके लिए हम मज़ीद ऊपर जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। आप देख सकते हैं पीछे ये जो माउंटेन्स हैं, हम काफ़ी क्रॉस करते हुए आए हैं। इस वक्त 9:30 का टाइम हो रहा है और हम मज़ीद ऊपर जाएंगे, टॉप पे जाएंगे। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं सामने हमें एक कैमल नज़र आ रहा है, ये मैं अभी आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। तान भाई, यहाँ ये जो गड है ये किस टाइम तक आ सकता है, कोई टाइम पीरियड है इसका? इसका टाइम नहीं है सर, फिर ये बस ऐसे ही मिलते हैं, टाइम इसका मुकम्मल नहीं है। तो मुकम्मल टाइम नहीं है, मिलेगा किसी भी टाइम पे। खुसूसियात होती है, कुछ बताएं, क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी ताकत होती है? वो घास खाता है। कौन सी घास खाता है? ये जो सब घास है वो जड़ी बूटियां वगैरह ये। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका वजन कितना होता है गड का? उसका तकरीबन वजन होता है 20-25 किलो होता है। 25 किलो तक वजन होता है। और सींग कितने बड़े होते हैं गड के? सींग तकरीबन 6-7 इंच का भी होते हैं। 6-7 इंच के सींग होते हैं।
अच्छा, ये जो बच्चे देते हैं गड, कितने, एक देते हैं, दो देते हैं या ज़्यादा भी देते हैं? एक भी देता है, दो भी देता है। एक भी, दो भी देता है। अच्छा 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 जो इसके सींग होते हैं वो नोकीले होते हैं या नॉर्मल जैसे बकरों के या दुम्बों के सींग होते हैं उस तरह होते हैं, अलग किस्म के होते हैं? नहीं, अलग होता है, वो बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या सीधा ऊपर की तरफ होते हैं या किस तरफ होते हैं? ऐसे होते हैं, साइड पे घूमे होते हैं, बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, नजरें घुमा रहे हैं। जी जी, मिलता है तो ठीक है, वरना हमने सोचा हुआ है वहाँ जाने का। आप देख सकते हो उड़ियाल, हमने स्पॉट कर लिए और ये आपके सामने, माशाल्लाह जबरदस्त, क्या खूबसूरत मनाजिर है। छह आगे हैं और मेरे ख्याल में तीन तीन से चार पीछे भी, इनके टोटल दस दस से ग्यारह उड़ियाल, माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग कैंप पर रिटर्न हो चुका है, हमारे हुसैन भाई हैं वो कैंप पर प्रिंगल्स इंजॉय करते हुए, और हैदर भाई भी यहीं पर हैं, कैंप का इन्होंने संभाला हुआ था सारा चार्ज। गाजी भाई ये भी यहाँ पर हैं, और ये उसामा सो गए हैं अभी, और ये सुल्तान भाई जो हमारे साथ ऊपर चले गए। तो व्यूअर्स, अब हम मूव करेंगे।